ईदगाह में अदा की गई ईद की विशेष नमाज। शहर काजी शफीउल्लाह सिद्दीकी ने अदा करवाई नमाज। ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगकर दी बधाई। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे ईदगाह मुबारकबाद देने। ईद उल फितर के त्योहार पर आज झुंझुनू के ईदगाह में भी ईद की विशेष नमाज अदा की गई। शहर काजी शफीउल्लाह सिद्दीकी ने ईदगाह में ईद की विशेष नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि वे मुस्लिम भाइयों को बधाई देने और मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले शहर काजी शफीउल्लाह सिद्दीकी ने नमाज के दरमियान सभी को संदेश दिया कि ईद प्यार मोहब्बत भाईचारे और शांति का पैगाम देती है। इस पैगाम को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके अलावा शहर में कमरुद्दीन शाह दरगाह फतेहपुरी मरकम मस्जिद कानपीर की पहाड़ी के समीप घाटी में स्थित अले अहीज में ईद की नमाज अदा की गई। इसमें सबसे पहले हमारे शहर के वासियों को और पूरे जिले के वासियों को बल्कि पूरे भारत के हिंदू भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्यार और मोहब्बत और अखुवत का जो माहौल है उसे आप लोग बनाए रखें और हमारा जो इस्लाम है वो उसको उसकी बुनियाद ही प्यार मोहब्बत अखुवत और भाईचारे पर बनी हुई है। तो इसलिए हमारे बारे में कोई गलत फहमी नहीं रखें। हम एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं और हम आपके साथ बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं और इसको मतलब मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए आप लोगों से पुरजोर अपील करूंगा कि अपने दिलों से नफरतों को निकाल दें और मोहब्बतों को बढ़ावा। मैं मेरे झुंझुनू के सभी अखिलियत के भाइयों को ईद मुबारक करने के लिए आया हूँ सभी को और हमारे प्रदेश में हमारे देश में अमन चैन हो खुशहाली हो इसकी दुआ करने के लिए। राजेंद्र गुड़ा आप खुद टाइटल है वो करता अपनी मर्जी से करता है।